गठबंधन सरकार कितनी चुनौती इस बार, ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर धीरे धीरे कर तस्वीर अब इस रूप में साफ होने जा रही है कि आज अब से कुछ ही देर बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है। इसमें सांसदों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से वहां पर व्यवस्था की गई है। जो सांसद पहुंच रहे हैं उनका स्वागत बीजेपी की तरफ से तरुण चुग नजर आ रहे हैं करते हुए, और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए शासित राज्यों के वो भी पहुंच रहे हैं। आपने योगी आदित्यनाथ को देखा, आपने सुधा मूर्ति को देखा, और ये देखिए किस तरीके से सांसदों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। संसद भवन का सेंट्रल हॉल, वहीं पर एनडीए संसदीय दल की ये बैठक होनी है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है, कुछ ही देर में पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और इसके बाद औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं, जगदीश शेट्टार मुझे लग रहे हैं शायद वो पहुंचे हैं संसदीय दल की बैठक में शिरकत करने के लिए। तो ये अलग अलग सांसद शोभा करंदलाजे हमें नजर आ रही है, बेंगलुरु नॉर्थ से इस बार जीत कर आई है, वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए अलग अलग सांसद हैं। एनडीए के जो तमाम दल हैं, टीडीपी, जेडीयू, बीजेपी तो है ही सबसे बड़ा दल, तो सब पार्टियों के सांसद पहुंच रहे हैं इस बैठक में। अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। ये देखिए सुधा मूर्ति का स्वागत जिस समय किया जा रहा था उस समय की ये तस्वीर आपके सामने। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जेडीयू सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आई है। ललन सिंह मंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ललन सिंह एक बार फिर जीत कर आए हैं मुंगेर लोकसभा सीट से और वो मंत्री पद की रेस में जेडीयू की तरफ से सबसे आगे हैं। रामनाथ ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है, दो मंत्री जेडीयू के कोटे से बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 लोकसभा चुनाव में भी जब बीजेपी और जेडीयू साथ जीत कर आए थे तब भी नीतीश कुमार की तरफ से मंशा यही थी कि ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन तब वो जेडीयू के कोटे से दो मंत्रियों वाली बात बीजेपी की तरफ से मानी नहीं गई थी और इसी को लेकर एक नाराजगी भी रही थी। फिलहाल क्या फॉर्मूला तय हो पाया है, सीधे आपको लेकर चलते हैं, जानते हैं अपने सहयोगी प्रकाश कुमार से। प्रकाश जी, बिल्कुल, देखिए दो तरह के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं रोमाना। पहला तो ये है कि अगर चार सांसदों पर एक मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला आया तो ऐसे में 12 सांसद वाली जेडीयू पार्टी को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। तो 3 मंत्री पद अगर मान लिया जाए कि मिल गए तो ऐसे में कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो रेस में सबसे आगे होंगे? तो सबसे पहला नाम आता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो मुंगेर से सांसद है और नीतीश कुमार के बेहद खास, बेहद करीबी और राजनीतिक रूप से भी और दोस्ती के रूप में भी ललन सिंह का पुराना इतिहास रहा है उनके साथ का, दोस्ती का। हालांकि बीच में एक बार वो दोनों की राहें जुदा हो गई थी, लेकिन फिर जब साथ आए तो इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक दे दिया था नीतीश कुमार ने और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर थे, अभी हाल ही में वो हटे हैं। तो ऐसे में ललन सिंह अगड़ी जाति से आते हैं और सबसे सीनियर भी है, कई दफ़े वो सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका नाम पहले नंबर पर आता है। बात अति पिछड़ी जाति का, जिसे वोट बैंक नीतीश कुमार मानते हैं कि नीतीश कुमार का की पकड़ जो है वो अति पिछड़ी जाति पर है, तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उनके ये बेटे हैं और एक नाम है, एक चेहरा है विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी ये कहा जा सकता है, और दूसरी तरफ वो राज्यसभा में भी है, तो एक तरह से राज्यसभा से भी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और अति पिछड़ी जाति होने के नाते उनको ये फायदा हो सकता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तीसरा नाम अगर पिछड़ी जाति से किसी को बनाया जा सकता है तो उसमें नीतीश कुमार की लव कुश की जोड़ी है, उसको आगे भी रखने के लिए सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से जीते हैं तो उनका नाम भी सामने आ सकता है और वो भी इस रेस में आगे हैं। तो ये 3, अगर 4 सांसदों का फॉर्मूला हुआ तो ये वो 3 नाम है जो इस रेस में आ गए हैं, बाकी तो और भी नाम आते ही रहते हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ प्रकाश, में लौटूंगी आपके पास। तो देखिए अब तमाम जो नजरें हैं वो संसद भवन परिसर पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो यहीं पर होनी है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और इसी एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अभिषेक उपाध्याय नजर आ रहे हैं, मनोज
अग्रवाल नजर आ रही है, हमें अंकित गुप्ता नजर आ रहे हैं और साथ ही आशीष भी, और ये सभी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। जल्दी से एक एक कर सबका रुख करते हैं। पहले अभिषेक, आपके पास कौन कौन से सांसद आपने देखा जो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं और कितना इंतजार प्रधानमंत्री मोदी, कब तक पहुंचेंगे यहां पर अभिषेक? देखिए, अभी मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। यहां प्रमोद सावंत पहुंचे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री, यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, लगातार ये जो गाड़ियां आ रही हैं ये सांसदों की ही गाड़ियां आ रही हैं, एनडीए के सांसद। और एक अहम बात ये भी है कि वो भी सांसद पहुंचे हैं, वो भी एनडीए के घटक पहुंचे हैं जो नहीं जीत पाए हैं। जैसे कि मैं संजय निषाद की बात करूं, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग सीटें नहीं जीत पाए हैं मगर वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसीलिए पहुंचे हुए हैं ताकि एक सॉलिडरिटी दिखाई जा सके, एनडीए का जो कुनबा है वो कितना बड़ा है वो दिखाया जा सके। और एक अहम बात मैं आपको ये भी बताऊं, जो कि मैंने सीपी जोशी से बात की थी रोमाना, कि कुछ जो जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी है और इसका हनुमान बेनीवाल है, इन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनके लिए विकसित भारत के साथ के लिए नरेंद्र मोदी का साथ दें। ये सीधा सा राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अपील करते हुए दिखे हमारे कैमरे पर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये भी हो सकता है कि एनडीए का खुनबा और भी यहां थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ सकता है। इस पर भी निगाहें लगी हुई हैं। निर्दलीय के तौर पर या कोई छोटी पार्टी से जीतकर अगर संसद पहुंच रहा है तो क्या वो आज यहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में नजर आएगा, इस पर भी जो हमारे तमाम सहयोगी हैं उन्होंने नजर बना रखी है। मनोज्ञा के पास जल्दी से आपको लेकर चलेंगे अपडेट। मनोज्ञा, बिल्कुल सही बात कही आपने रोमाना। मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा छोटे घटक दल, इस बार उनको महत्व कई गुना ज्यादा भी दिया जा रहा है, खासतौर से पूर्वोत्तर से जो छोटे छोटे घटक दल आ रहे हैं जैसे तिपरा मोथा है या फिर बाकी सारे जिनके एक एक सांसद हैं लेकिन जो एनडीए का सदस्य हैं और इस समय इस घड़ी में लगातार एनडीए के साथ ही खड़े हुए हैं। इन छोटे दलों के परिवारजनों को भी बुलाया गया है या उनके जो संसद के सदस्य हैं उनके साथ उनको भी अनुमति दी जा रही है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और पदाधिकारी हैं, वो सभी आज यहाँ पर बैठक में शामिल हो रहे हैं। जैसे अभिषेक बता रहे थे कि लगातार सभी का आने का सिलसिला जारी है। यहां पर अभी जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले, उनके साथ उड़ीसा के एक के बाद एक, क्योंकि उड़ीसा ने इस बार 20 सांसद दिए हैं और सबसे मजबूत इस समय स्थिति अगर किसी की है राज्यों में तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और इन राज्यों की है, जिन्होंने करीब करीब 100% रिजल्ट दिखाया है इस बार के लोकसभा चुनाव में जी। तो उनकी बड़ी भूमिका है। जहां पर मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की, तो उसके नेता भी इस समय अंदर जा ही चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का हो रहा है। और इस बीच हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, कुछ देर पहले संसद भवन परिसर से अंकित ने जो रिपोर्ट भेजी है पहले जरा वो देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं संसद भवन परिसर में, जहां पर एनडीए के नेताओं की होनी है बैठक है, एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है। और देखिए, तमाम जो सांसद हैं, नव निर्वाचित सांसद हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। एक एक करके जो है तमाम सांसद यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं, अलग जो है एनडीए के हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं, प्रदेश के वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो है अगर हम पिछली गाड़ी में बात करते हैं तो विप्लव देव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम सांसद, कुछ से पहले शिवराज सिंह चौहान पहुँचे हैं। तो एक एक करके जो तमाम जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आज की बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुना जाएगा संसदीय दल का नेता और एनडीए के संसदीय दल का नेता, और वहाँ से उसके बाद में सरकार बनाने का प्रस्ताव किया जाएगा, दावा किया जाएगा और उसके बाद होगा शपथ ग्रहण। तो फिलहाल संसद भवन परिसर में तैयारियां पूरी हैं एनडीए की बैठक के लिए और पहुंच रहे हैं तमाम नेता। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी और जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी आशीष के पास और जरा जानते हैं आशीष से, दक्षिण भारत से एनडीए के सहयोगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टीडीपी का नाम हो जाता है, जनसेना का नाम हो जाता है, कौन कौन सांसद इस समय पहुंच चुके हैं, क्या खुद चंद्रबाबू नायडू भी यहां पर आज नजर आएंगे, पवन कल्याण भी यहां पर नजर आएंगे एनडीए संसदीय दल की बैठक में, अपडेट क्या है आशीष? जी देखिए, अभी हम चंद्रबाबू नायडू के इस जो 50 अशोका रोड है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू रुके हुए हैं और यहाँ पर सारे जो टीडीपी के नव निर्वाचित सांसद थे वो इनसे मिलने पहुँचे हैं और यहाँ से सांसद एकक कर निकले हैं संसद भवन के लिए। चंद्रबाबू नायडू को यहाँ से 10:11 पर निकलना है और किसी भी समय यहाँ से चंद्रबाबू नायडू संसद भवन के लिए निकल सकते हैं। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी मीडिया का जमावड़ा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी हमारी बात कुछ सांसदों से हुई है, उन्होंने साफ तौर पे बार बार दोहराया है
कि हमने बिना किसी शर्त के बिना किसी दबाव बनाए एनडीए को समर्थन दिया और किसी भी कंडीशन में कोई भी हालात हो हम चंद्रबाबु नायडू टीडीपी एनडीए के साथ रहेगा। तो बार बार इस बात पर ज्यादा एम्फेसिस टीडीपी के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं टीडीपी के जितने नेता हैं जिनसे हमारी बात हो रही है वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्होंने बिना शर्त को समर्थन दिया है और हमेशा वो टीडीपी एनडीए के साथ रहने वाले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हलचल तेज हो रही है जिस तरीके से यहाँ मीडिया का जमावड़ा है ये साफ बताता है कि कैसे इस पूरे एनडीए के गठबंधन में कुनबे में चंद्रबाबु नायडू आंध्र प्रदेश के जो चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे उनके 16 विधायक सांसद जीत कर आए हैं वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर महत्वपूर्ण चेहरा बन जाते हैं। चर्चा हमने जैसे पहले बताया था चर्चा ये है कि उनको एनडीए का कन्वीनर बनाया जा सकता है, एक जो कैबिनेट के का मंत्री का पद, दो एमओएस का दर्जा, ये दो एमओएस राज्य मंत्री का जो दर्जा मंत्रालय है वो टीडीपी को मिल सकता है। पवन कल्याण भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है। पवन कल्याण ने दो सांसद सीटों पर चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी जनसेना ने और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, 21 के 21 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो एक महत्वपूर्ण चेहरा है एनडीए में पवन कल्याण भी। हालांकि नंबर कम है लेकिन उनका इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा है। तो जाहिर तौर पे उनको भी कहीं ना कहीं अगर कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है प्रधानमंत्री जब मंत्रियों को चुनने की प्रक्रिया में शुरू करेंगे तो जरूर इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल, आपने पवन कल्याण का नाम लिया, बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है क्योंकि स्टार वैल्यू जो पवन कल्याण के साथ आकर जुड़ती है अपने आप में वो भीड़ को भी खींचती है और इस बार तो वो भीड़ जो है वो वोटों में किस तरीके से तब्दील हुई उसी की गवाही देते हुए ये आंकड़े आंध्र प्रदेश से जो सामने आए हैं जिस तरीके से बंपर जीत आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिली है और एक बार फिर चंद्रबाबु नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 16 सांसद जो टीडीपी के जीतकर आए हैं। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, 11 बज चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि अब तो मुझे लगता है सांसदों के पहुंचने का सिलसिला मुकम्मल हो रहा होगा, पीएम मोदी का ही इंतजार हो रहा होगा। अंकित गुप्ता, रोमाना, अभी मैं संसद भवन परिसर से ही निकल के आया हूं। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि करीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। लेकिन आपने जिक्र किया था पवन कल्याण का, तो जब मैं अभी संसद भवन परिसर के अंदर था तो उस दौरान पवन कल्याण वहां मुझे नजर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं, उसके अलावा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो नजर आए हैं, उसके अलावा जो है विप्लव देव नजर आए हैं, तो तमाम वो नेता यहां पर नजर आए हैं। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं वो जो है जीत करके आई हैं, वो नजर आई हैं, कई उनके साथ में जो नव निर्वाचित सांसद थी वो नजर आई हैं। लेकिन इस सबके बीच में रोमाना एक बड़ी खबर देना चाहूंगा जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो एक जानकारी मिल रही है कि जो तमाम सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से अभी किसी मंत्रालय को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। यह एक बड़ी जानकारी निकल के आई है, ना ही इस बात को लेकर के अब तक चर्चा हुई है कि किस सहयोगी दल ने को कितनी सीटें देनी है या फिर वो किसको कितनी दी जाएंगी। यह सब बात की बातें हैं, यह बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले हमको सरकार बनाने का दावा पेश करना है और तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बिना किसी शर्त के आपके साथ में है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, ऑन कैमरा आकर जितने सहयोगी दल हैं जिनके पास वो नंबर महत्वपूर्ण वाला है जिसमें चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब बिना शर्त हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम एनडीए का ही हिस्सा हैं। ये नीतीश कुमार निकले हैं, अपने आवास से नीतीश कुमार निकल रहे हैं संसद भवन परिसर की ओर एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत करने के लिए, क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक में न सिर्फ चुने हुए सांसद बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं, एनडीए में शामिल पार्टियों के अध्यक्ष भी शिरकत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा, सुनते हैं। विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए आज की तारीख में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता बिहार में रहे हैं, आज भी हैं, और हम लोग मिल करके आज लंबे समय से एनडीए गठबंधन के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी जो यहाँ पर सीटें आई हैं जेडीयू की, तो यहाँ केंद्र में भागीदारी उनकी बढ़ेगी, अब तो केंद्र में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा उनका। हमारा सक्षम नेतृत्व और परिपक्व नेतृत्व सबका साथ सबका विकास की भाव को लेकर के पूरी ताकत से पूरी मजबूती के साथ राष्ट्र के हित में राष्ट्र की जनता के बेहतर 21वीं सदी का भारत बनाने के संकल्प को पूरा। रेल बिहार के हिस्से में जाए आप चाहेंगे? ये मांग हो रही है कि रेल बिहार के हिस्से में आए।
देखिए, मेरा सक्षम नेतृत्व वो मिल बैठ कर निर्णय करेंगे और जो भी सेवा का भाव करने वाले लोग हैं, जो भी व्यवस्था मिलती है उस व्यवस्था में बेहतर करने का मन के अंदर संकल्प हो। जेडीयू की सारी बातें मानने को आप तैयार हैं? जो उनकी शर्तें, जो उनकी डिमांड्स हैं, कोई संकोच? यहाँ कोई किसी की शर्त नहीं है, बिना शर्त का सबका समर्थन है। जेडीयू की कोई शर्त नहीं है? कहीं कोई किसी का शर्त नहीं है, बिना शर्त समर्थन है और एनडीए पूरी ताकत से राष्ट्र के हित में काम करने वाली है। अगला चुनाव नीतीश जी की अगुवाई में, अगला चुनाव मैं तो बता दी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। देखिए, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी और डिप्टी सीएम भी एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ देर पहले, अच्छा एकनाथ शिंदे को आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे, ये ऐतिहासिक क्षण होगा और उनको सभी एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता चुना है। आज उनके नेतृत्व में आज की बैठक है तो इतिहास इस रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लगातार और उसी के लिए आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे। लवली आनंद क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। हमें अभी हम लोग जा रहे हैं मेन मीटिंग जो है एनडीए का मीटिंग में, हम लोग अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी तो हम लोग का यही है कि मीटिंग में जा रहे हैं। क्या मैम, कुछ तो बात हुई होगी मैम, कुछ डिमांड्स जिनके फाइनलाइज हुआ होगा? अभी हम लोग का मेन मीटिंग अभी है और उसमें फाइनल होगा। मंत्रालय को लेके मांग है, उस पे क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, विशेष दर्जा भी मिलना चाहिए बिहार को, बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए और मिथिलांचल से इतने सारे हम लोग सांसद जो आया है तो वहाँ पर पुनौरा। तो ये लवली आनंद को आप सुन रहे थे, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, बड़ा दिलचस्प हो जाता है, एक तरफ सहयोगी दल के नेता जो हैं वो कह रहे हैं साहब हमारी कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के हम समर्थन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू से लवली आनंद, कुछ देर पहले इनके पति जो है आनंद मोहन उनको भी हम सुन रहे थे, सीधे नाम रेल मंत्रालय का ले रहे हैं, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? मिथिला से जहाँ से वो आती हैं, जिस इलाके में सबसे बड़ी जीत हुई है, तो वहाँ लोकल एक कहावत है कि नए खैब घर थारी और नए सुतब 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 गुर थारी। इसको थोड़ा हिंदी में बस इतना ही बता दूँ, नहीं खाना नहीं कहते हुए भी बहुत खा लेता है लोग। तो यही चीज़ है कि ना करते करते मंत्री पद का डिमांड भी एक तरह से आप समझिए कि सामने रख दे रही है, और कहीं ना कहीं ये बातें तो हो ही रही है कि कौन कौन से मंत्री पद मिलने चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो सोर्सेस हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार में शामिल होंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा वो अभी होना तय है। तो क्या ये शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये तय हो जाएगा या फिर आने वाले समय में ये देखना होगा कि अंतिम समय तक कैसे बातचीत होती रहती है। आपने देखा होगा कि 2019 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और डबल इंजन कि सरकार हो बिहार में, इसके लिए पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ मंत्रालय लिए जाएं, मंत्री पद लिए जाएं, बल्कि ये भी देखा जाए कि जो उनकी पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा, उसको लेकर के कितना जोर तक, कितने दूर तक ये जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ हो रही है। आज जैसे ही प्रधानमंत्री नेता चुन लिए जाएंगे और सरकार गठन की कवायद शुरू हो जाएगी, उसके बाद से ही ये बातें भी सामने आने लगेंगी। बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, देखिए कंगना रनौत पहुंची है वहां संसद भवन परिसर में बैठक में शिरकत करने के लिए, और वहीं पर चिराग पासवान हाजीपुर से जीत कर आए हैं, कंगना रनौत मंडी से जीत कर आई है, दोनों बॉलीवुड में एक साथ काम कर चुके हैं और अब ये पहला मौका होगा जब दोनों संसद भवन में बतौर सांसद एक साथ काम करेंगे। किस गर्मजोशी से मुलाकात की है कंगना रनौत और चिराग पासवान ने, तस्वीरें आपके सामने हैं। और बड़ा दिलचस्प यहाँ पर एक जानकारी है, मुझे लगता है विजय जी के पास हमें चलना चाहिए, चिराग पासवान और कंगना रनौत। अच्छा एक मिनट, तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, चंद्रबाबू नायडू जो है वो निकल रहे हैं अपने घर से, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पवन कल्याण हैं वो पहले ही संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो अब अपने घर से निकल रहे हैं, आशीष वहीं पर मौजूद है। आशीष, अरे
दिक्कत आ रही है आवाज में, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू निकल गए अपने आवास से संसद भवन परिसर के लिए। ज्यादा फासले पर नहीं है चंद्रबाबू नायडू का आवास संसद भवन परिसर से, और बस चंद मिनटों में वो भी संसद भवन परिसर में पहुंच जाएंगे जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संदीप जी जी, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं इतना तो जरूर बता रही हैं कि जो सहयोगी दल है फिलहाल सामने भले कोई डिमांड ना रखे, लेकिन इतना जरूर जानना चाहते हैं वो कि आखिरकार उन्हें क्या मिलने वाला। महाराष्ट्र पे सबकी नज़र रहेगी, वहाँ से भी तीन पार्टियाँ जीत कर आई हैं। जो नाम बीजेपी से उभर कर आ रहे हैं उसमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अशोक चौहान के नाम, क्योंकि मराठा वोट बैंक साधना है तो अशोक चौहान को लेना पड़ेगा। साथ ही एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रताप जाधव या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे में से कोई बनेगा। एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आ रहा है, साथ ही मिलिंद देवड़ा का भी नाम बार बार आ रहा है। तो महाराष्ट्र को इसलिए रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ेगा क्योंकि चुनाव है तीन महीने बाद। यदि महाराष्ट्र में अभी हालात नहीं सुधारे तो सरकार आना मुश्किल, और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा ऐसा राज्य है जहां संघ का मुख्यालय है। तो मतलब रीजन के हिसाब से आप कह रहे हैं कि अगर कोई राज्य जिसको सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस बार देखने के लिए मिलेगा इस एनडीए सरकार में तो वो महाराष्ट्र रह सकता है। बिल्कुल महाराष्ट्र रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र सबसे बड़ी चुनौती है। तीन महीने में चुनाव है, तीन महीने के अंदर कोर्स करेक्शन करना है, लेकिन अभी खतरा जो पैदा हो गया कि कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी टूट ना जाए। बड़ी खबर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव जो आज रखा जाएगा एनडीए संसदीय दल की बैठक में, इसमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू और राजनाथ सिंह रखेंगे। तो ये तीनों लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, क्या है और डिटेल्स इस खबर को लेकर? जी देखिए, हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हमें मिली है कि अभी चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ से 50 अशोका रोड के अपने निवास से निकले हैं संसद भवन के लिए एनडीए के पार्लियामेंट्री दल की बैठक के लिए, वहाँ पर इस बैठक के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले प्रपोजर होंगे, राजनाथ सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो दूसरे प्रपोजर होंगे, और एनडीए के महत्वपूर्ण पार्टनर टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तीसरे प्रपोजर होंगे नाम के, और तीनों मिलकर नरेंद्र मोदी का नाम एनडीए के नेता के रूप में प्रपोज करेंगे, ये जानकारी हमें मिली है। जाहिर तौर पे उसके बाद इस प्रपोजल के बाद सारे लोग ध्वनिमत से इस नाम का समर्थन करेंगे और उसके बाद एक डेलीगेशन प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे, एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, किसी भी पल वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, अमित शाह पहुंच गए संसद भवन परिसर। ये देखिए संसद का सेंट्रल हॉल आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम सांसदों से मुलाकात करते हुए, नेताओं से मुलाकात करते हुए, बात करते हुए आप देख रहे हैं अमित शाह को। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव जो है वो तीन लोगों की तरफ से रखा जाएगा। प्रस्तावक तीन होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और सहयोगियों की तरफ से टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे जिसे फिर ध्वनिमत से पारित किया जाएगा। और ये उस समय की तस्वीर है जब अमित शाह संसद भवन पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बाकायदा पैर छूकर अमित शाह का आशीर्वाद लिया। और ये भीतर की तस्वीर अब आपके सामने है, सेंट्रल हॉल में अमित शाह भीतर मुलाकात करते हुए नवनिर्वाचित सांसदों से एक एक कर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, सीधे आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं। अभिषेक, अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पहुंचने का इंतजार हो रहा होगा, यहां पर देख रहे हैं हम बाकी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो करीब करीब पहुंच चुके हैं। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, न सिर्फ पहुंच चुके हैं बल्कि जो संदेश है वो रीड करने की जरूरत है। या हम जिससे भी बात कर रहे हैं, खासतौर पर वो सहयोगी दल, अभी हमने बात की विजयवाड़ा से टीडीपी के एमपी जीत के आए हैं के शिवनाथ, वो वही क्लियर वो बात कह रहे हैं कि कहीं कोई प्री कंडीशन नहीं है, हमने कोई शर्त नहीं रखी है, हम सिर्फ अपने स्टेट के लिए स्पेसिफिक हम चाहते हैं कि सहयोग मिले। यही बात जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई प्री कंडीशन नहीं है, यही बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो इसी पर जोर दिया जा रहा है कि ये जो एक बात है चल रही है, और ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अरसे बाद कोई कोलिशन सरकार आई है, तो कोलिशन सरकार में हमेशा शर्तें होती हैं।
तो उसको यहां पर डिफ्यूज करने की लगातार कोशिश की जा रही है टीडीपी की ओर से भी, बिहार बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से, कि कहीं कोई हमारी शर्त नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहां पर निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वे घटक दल, उनके नेता भी यहां पर आ रहे हैं जो कि जिनके उम्मीदवार नहीं जीते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि ये एनडीए मजबूत एनडीए है, बड़ा एनडीए है, ये किसी शर्तों की बुनियाद पर बना हुआ एनडीए नहीं है, बल्कि एक नेचुरल कोलिशन है जो पूरी तरह से इंटैक्ट है। इस बात पर यहां पर बार बार जोर दिया जा रहा है। रोमाना, आप रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद का सेंट्रल हॉल, जहां देखिए आप नायब सिंह सैनी यहां पर नजर आ रहे हैं, विष्णुदेव साय आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। अच्छा, पीछे की कतार में अगर आप देखेंगे तो दो बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं, बिजयंत पांडा वहां पर मौजूद है, वो बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, सम्राट चौधरी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल वहीं पर मौजूद है, वो बातचीत कर रही है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सरोज पांडे आपको नजर आएंगी, आपको तमाम जो सांसद हैं ये नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी अब से कुछ देर पहले जब संसद भवन परिसर पहुंचे एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए, और ये पवन कल्याण को आप देख रहे हैं, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण एनडीए के सहयोगी आंध्र प्रदेश में, और ये लवली आनंद और कंगना रनौत की तस्वीर आप देख रहे थे जब संसद भवन परिसर पहुंची हैं दोनों, और कंगना रनौत यहां पर भी आपको नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में, अलीगढ़ के सांसद आपको नजर आ रहे हैं पीछे बैठे हुए, सीपी जोशी आपको नजर आ रहे थे वहां पर बैठे हुए, हेमा मालिनी क्या कह रही हैं, तीसरी बार जीत कर पहुंची है मथुरा से, तीसरी बार, हम भी तीसरी बार आ रहे हैं और मोदी सरकार भी। तो हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, 2014-2019 के बाद 2024 में लगातार हैट्रिक मथुरा से जीत की हेमा मालिनी ने लगाई है, और उसी का जिक्र करती हुई वो साहिब से जीत कर आए हैं चुनाव। सर, बड़ी जीत बिहार में आप लोगों की, और अब फिर से नई सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार बिल्कुल बन रही है। देश एनडीए में विश्वास करता है, भाजपा में करता है, और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ये है। लेकिन अब एक और भी है कि अब आपके साथ जेडीयू भी सरकार में शामिल होने जा रही है। हमारे पुराने साथी हैं, बिहार में भी काम करते हैं, पहले भी काम किया है, लालू के कुशासन के खिलाफ साथ लड़े हैं, चिंता मत करिए। कुछ नई पार्टियां एनडीए में आ सकती हैं? अब चलिए करेंगे, अभी आज का माहौल उत्साह का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला संसद भवन परिसर में पहुंचते हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर पहुंच रहे हैं। इसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक औपचारिक तौर से जिसकी शुरुआत होगी, और इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। देखिए 2014 282 अपने दम पर बीजेपी ने सीटें हासिल की थी, उसके बाद 2019 में जीत का ये जो फासला है बीजेपी ने अपने लिए और बढ़ाया था, जब अपने दम पर बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी। लेकिन अब की बार, तीसरी बार 2024 में रिकॉर्ड जरूर बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी का जो अपनी सीटों का आंकड़ा है वो यहां घट गया है, इस बार 240 बीजेपी हासिल कर पाई है, पर सहयोगियों के दम पर एनडीए को बहुमत मिला है, और वही एनडीए सरकार जिसके लिए एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव यहीं पारित होगा, और हिमाचल ने चारों के चारों सीटें जीता, फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई, और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध संपन्न और खुशहाल हो, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा, और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व। सर, मोदी सरकार कैसे देखते हैं? फिर एक बार मोदी सर, मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं, मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। सर, मेरठ की जनता,
तो प्रतिक्रियाएं जैसे जैसे आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, प्रमोद सावंत को आप सुन रहे थे, और लीजिए अब ये भीतर की तस्वीरें। यहां किस तरीके से औपचारिक तौर पर अब स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए प्रहलाद जोशी को आपने देखा, संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में प्रहलाद जोशी नजर आते रहे हैं, और इस समय संसद के सेंट्रल हॉल में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है उसमें देखिए किस तरीके से यहां स्वागत किया जा रहा है, अगवानी की जा रही है, और ये नंबर्स और ये ताकत, एनडीए 293 मंच पर राजनाथ सिंह का स्वागत किया जा रहा है, और ये तस्वीर आपके सामने, नीतीश कुमार पहुंचे हैं संसद भवन परिसर में, उस समय की तस्वीर भी, गजेंद्र शेखावत को आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, ये वो तमाम सांसद हैं जो जीत कर फिर से पहुंचे हैं। ये तस्वीर अमित शाह की है, अमित शाह भी ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं और उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है इसलिए क्योंकि यहां मंच पर और जो नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं उसमें देखिए आप किस तरीके से जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और साथ ही अजीत पवार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाती है उनकी तस्वीर। एचडी कुमारस्वामी बैठे हुए मंच पर नजर आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए जो एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू आप देख रहे हैं वो वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मंच पर चंद्रबाबू नायडू, उनके बराबर में ठीक नीतीश कुमार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो जितने सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को अलग से मंच पर खास जगह दी गई है, और वो बिल्कुल सेंटर वाली जो मध्य वाली कुर्सी है वो इस समय खाली नजर आ रही है, क्योंकि वहीं पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे, वो वहां पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखेंगे, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कतार से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बीच में एकनाथ शिंदे भी इस तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहां पर अजीत पवार नजर आ रहे हैं, वहां पर एचडी कुमारस्वामी नजर आ रहे हैं। विजय जी ये तस्वीर क्या कहती है, मंच पर जिस तरीके से तमाम सहयोगियों को जगह दी गई है और उनका सम्मान, उसी से शुरुआत, मजबूरी भी है और अभी एकता दिखाना, सॉलिडिटी दिखाने का मौका है। संसदीय दल के नेता चुनने के लिए संसद के सांसदों की जरूरत होती है, लेकिन इस समय सभी सहयोगी दल जो इस समय संसद में नहीं भी आए हैं, चुन नहीं पाए हैं, कुछ और भी दल हैं, वो सब भी यहाँ पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी यहाँ सब मौजूद हैं, तो वो एकता दिखाने का वक्त है कि पूरा एनडीए जो है सबसे मजबूत गठबंधन के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ है और सब लोग एक साथ हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री का के लिए, यदि जो वर्तमान प्रधानमंत्री, हमें उन्हें कहना चाहिए डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका संसदीय दल के नेता के तौर पर चुनाव हो। लेकिन मैं अभी एक चीज देख रहा था क्या इन्होंने किया है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक तो नहीं हुई है, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता को भी तो चुना जाना चाहिए था ना, प्रधानमंत्री को या नरेंद्र मोदी को। जी मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, या तो इसी को शामिल करके वो इसको मान रहे होंगे, क्योंकि पहले बीजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर उन्हें देखा जाए, और इसमें राज्यसभा के सांसद भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, लोकसभा के भी मौजूद रहते हैं, और जो सहयोगी दल हैं वो सब भी वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि वो ये दिखाया जा सके कि एनडीए गठबंधन सब लोग एक साथ यहाँ पर हैं। और बुनियादी संदेश राकेश शुक्ला जी यही दिया जा रहा है इन तस्वीरों से कि हम साथ साथ, साथ हैं, हम एक हैं। वो जो इंडिया गठबंधन लगातार शिगुफे छोड़ रहा था, बावजूद इसके कि उसके पास नंबर नहीं है, किसी तरीके से मौके की तलाश में था, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। राकेश जी हाँ बिल्कुल सही है, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि मजबूरी भी है और मजबूती भी है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए के घटक दलों की तरफ से एक बात स्पष्ट की गई है कि बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनडीए के बड़े दल हैं, बड़े दलों में मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मैं बात करूंगा, इन दोनों से जो भी बातचीत होगी वो सीधे नरेंद्र मोदी जी से होगी, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। हालांकि अभी दो दिन पहले हम लोग एबीपी न्यूज में ही दिखाए थे कि पीयूष गोयल जी और अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है मध्यस्थ, लेकिन वो मध्यस्थ सिर्फ बातचीत के लिए रहेगा कि उनका संदेशा इनके पास लाया जाएगा, लेकिन मोदी का संदेशा उनके पास ले जाने की जिम्मेदारी इनको नहीं रहेगी। उनका संदेशा आने के बाद मोदी डायरेक्ट इनसे, दोनों नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि दोनों बराबरी के नेता हैं। तो मुझे लगता है कहीं पे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई
संवादहीनता की स्थितियां पैदा नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे में जो मंच है इसका बैलेंस अगर देखा जाए तो एक तरफ एकनाथ शिंदे, उसी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उसी तरफ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हम देख रहे हैं वहां पर बैठे हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं कुमारस्वामी के साथ। इससे भी कुछ बैलेंस करने की कोशिश की गई है क्या? बिल्कुल, अजीत पवार एक सीट जीत के लाए, उनको फिर भी बिठाया जा रहा है मंच पे, तो इसका मतलब है कि संदीप जी, बस जरा आपको रोक रही हूँ, वो तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, एक मिनट इसको जरा डिस्क्राइब कर दूं। ये टाइगर जिंदा है, ये जो पोस्टर है ये पटना में लगा है, और यहां टाइगर जो है वो नीतीश कुमार को दर्शाया गया इस पोस्टर में। नीतीश कुमार 24 चुनाव से पहले जिनको माना जा रहा था कि उनकी सियासत जो है अब वो खात्मे की ओर है, 24 चुनाव में जो माना जा रहा था कि एक बात पक्की है कि नीतीश की सियासत पर फुल स्टॉप लगना तय है, वही नीतीश कुमार जोरदार तरीके से पलट कर जीत कर अपनी जगह और अपनी अहमियत भारत की राजनीति में दिखाते हुए जमाते हुए नजर आए हैं, और शायद इसी वजह से टाइगर जिंदा है वाले अंदाज में ये पोस्टर्स जो पटना में नजर आ रहे हैं। जी संदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, तो अब वहां भी कुनबा समेटने की गरज है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि एनसीपी में टूट हो सकती है, एकनाथ शिंदे के यहाँ टूट हो सकती है, तो जाहिर तौर पर इन दोनों को इसलिए मंच दिया जा रहा है कि संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता में हिस्सेदारी बाकी है, तो जो विधायक है वो न जाए, क्योंकि विधायकों की चिंता है कि उनको जीत के आना, 4 महीने बाद चुनाव है, यदि विधायक वहाँ टूट जाते तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होगा, क्योंकि तब फिर से एकनाथ शिंदे के बजाय पुरानी शिवसेना जिंदा हो जाएगी और शरद पवार साहब भी पुरानी अपनी पार्टी पर दावा करेंगे। तो आगे बहुत सी चुनौतियां हैं, फिलहाल यह है कि चाहे आपकी सीट आए ना आए, सबको बुलाया, संदेश देने की गरज, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पिछली 2 सरकारों में हमने कभी नहीं देखा कि एनडीए की बैठक हो रही, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, अब गरज बदल गई है, समय बदल गया है और एनडीए सरकार आई है, तो जाहिर तौर पे भले शर्त की जो आप बात कर रहे थे, कोई शर्त न रखी हो जी, लेकिन हिस्सा तो सबको चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एनडीए संसदीय दल की ये बैठक हो रही है, क्या ऐसा लगता है कि इस बैठक में संसदीय दल का नेतृत्व, तो जाहिर सी बात है चुना ही जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे पास होगा, लेकिन साथ ही साथ एनडीए का संयोजक, उसको लेकर भी क्या यहाँ मोहर लग सकती है विजय जी? नहीं, यहाँ मोहर नहीं लगेगी, उस पर एक बार बातचीत तय हो जाएगी, क्योंकि चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, अब अध्यक्ष किसको चुना जाना है, मोस्ट प्रोबेबली संभावना यदि बनती है तो वो चंद्रबाबू नायडू की हो सकती है कि उनको ये भूमिका दी जाए कि संयोजक के तौर पर, लेकिन उसकी अभी घोषणा करने की जरूरत मुझे, संयोजक पद के लिए तो नीतीश कुमार ने छोड़ा था एनडीए, क्या संयोजक वो नहीं मांगेंगे? एनडीए में संयोजक पद मतलब चंद्रबाबू नायडू को मिलना तय माना जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की नाराजगी की एक बड़ी वजह यही बना था कि उनको संयोजक पद जो है वो नहीं, लेकिन उसमें एक फर्क था कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में संयोजक बनने का मतलब था प्रधानमंत्री पद के दावेदार होना, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर दूसरी जिम्मेदारियां हैं, और दोनों बराबर के नेता है, कौन को ये जिम्मेदारी मिलती है उसमें कोई, इस लड़ाई से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन में संयोजक का मतलब था कि वो चेहरा प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा, इसलिए नीतीश कुमार वहां वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन एनडीए में संयोजक बनने का मतलब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं है। नहीं, संयोजक वो इसलिए भी बनाए जा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो पोस्टर लगा है ना, तो टाइगर नहीं है, नीतीश कुमार जी को चीता कहना चाहिए, चीता चौकन्ना भी होता है और तेज भागता है, तो हो सकता है उनको संयोजक बना के बांध दिया जाए कि चीता भागने ना पाए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन वही दूसरी तरफ संदीप जी, जो चंद्रबाबू नायडू के फेवर में बात जाती है उसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि साहब अनुभव है उनके पास एनडीए के संयोजक पद का, और दूसरी बड़ी बात यह है कि सीटों के नंबर के लिहाज से भी जेडीयू से ज्यादा सांसद चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी बात कम से कम वो पलटू राम तो नहीं है, हाँ। ये बात भी समझ लीजिए, हाँ। तो उनपे भरोसा ज्यादा रहेगा और एनडीए को मजबूती से बांध के रखेंगे, और जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू अब न केवल राज्य सरकार में भी उतनी मजबूती से आए हैं, वहाँ उनको एक तरीके से जरूरत भी नहीं है विधानसभा में, फिर भी वो एनडीए के साथ बने हुए हैं, तो अब चंद्रबाबू नायडू और दक्षिण की राजनीति भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब दक्षिण पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी का किला थोड़ा बहुत दरकता हुआ नजर आया, और दक्षिण में बीजेपी इस बार मजबूती से उभरी भी है, केरल में उसका खाता खुल गया है, आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ गई हैं उनकी, तेलंगाना में डबल हो गई हैं, और कर्नाटक में भी उसका प्रदर्शन खराब नहीं था जो आप अनुमान लगाया जा रहा था, तो दक्षिण में जिस तरीके से उसके पैर जम रहे हैं जैसे आप संदीप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे लगता है संभावनाएं वो ज्यादा दक्षिण से देखना चाहिए, और ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि वो आगे की पंक्ति जिसमें एनडीए शासित राज्यों के, अच्छा सब लोग खड़े हो रहे हैं अभिवादन करने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं
सेंट्रल हॉल के भीतर। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नहीं पहुंचे हैं, जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, पर ये इस तस्वीर को देखकर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जेपी नड्डा जो हैं वो अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल हॉल से इस समय बाहर जा रहे हैं और उनके साथ में प्रहलाद जोशी भी नजर आए हैं, अर्जुन मेघवाल भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये तीनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए इस समय सेंट्रल हॉल से बाहर गए हैं और बस चंद ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां वो भीतर लेकर आए। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे थे और इसमें वो तस्वीर जो सामने आई, पहली पंक्ति में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल किनारे पर अकेले बैठे हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बिल्कुल ठीक उनके बराबर मोहन यादव बैठे हुए हैं लेकिन वो बातों में मसरूफ हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मध्य प्रदेश 29 की 29 सीटों पर कमल खिला है और उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां बीजेपी को बड़ा जोर का झटका लगा है। मैं एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, मुख्यमंत्री वाली बात पे आपको चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना पहले वाला भी प्रदर्शन करती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, मतलब बहुमत मिल जाता उनको उस तरह का। लेकिन प्रहलाद जोशी यहां पर संसदीय कार्य मंत्री थे पिछली सरकार में और वो अभी भी वहां जा रहे हैं। इस बार संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका पिछली बार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि पिछली बार जितना संसद में तमाशा हुआ उसमें बार बार ये बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ट्रैक टू या बैक चैनल नहीं है जो विपक्ष के साथ तारतम्य बना सके, और इस बार आज़ाद भारत में सबसे पहली बार सबसे मजबूत विपक्ष है 232 सीटों का, तो उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और मुझे लगता है प्रहलाद जोशी के बजाय कोई शायद दूसरा चेहरा आपको संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर दिखाई दे। विजय जी ठीक कह रहे हैं, इस बार फ्लोर मैनेजमेंट की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी और जितने सांसद जीत के आए हैं उन सांसदों में से किसी एक को, ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो विपक्ष और खासकर जो इंडिया गठबंधन से बाहर के दल हैं उनको मैनेज करके चले, क्योंकि कई बार ऐसा संसद में जरूरत पड़ेगी कि जब सरकार को ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो विपक्ष को काउंटर करने में सहायक हों। ऐसे में मुझे लगता है प्रहलाद जोशी का कार्यकाल पिछला वाला खराब नहीं था लेकिन एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता पड़ेगी सरकार को जो दूसरे दल के लोगों या सांसदों को मैनेज कर सके। आप कह रहे हैं कि प्रहलाद जोशी का पिछला कार्यकाल खराब नहीं था लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले कार्यकाल में सदन के कितने दिन जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ गए और बार बार एक ही बात को रेखांकित किया गया कि साहब सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, बड़े भाई की भूमिका में सरकार और ये कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि सबको साथ करे, एक साथ चले और इसके लिए कोशिश जो है वो बैकडोर वाला जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, जिसकी अभी बात जो है विजय जी भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से देखा तो इस बार तो चुनौती और बड़ी होने वाली है संदीप जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि अब जब आप विधेयक लाएंगे तो हर विधेयक पे वोटिंग भी होगी, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, क्योंकि अब संशोधन की भी गुंजाइश है और विधेयक रोकने की भी गुंजाइश है। पहले तो विधेयक आता था और सीधे पास होता था, ध्वनिमत से सीधे पास हो जाता। हाँ, तो अब बड़ा मुश्किल होगा, अब तो आपको हर बार हर चुनौती पे ये देखना होगा कि विधेयक ध्वनिमत, और कई बार चूंकि अब तो खासतौर पर सबसे बड़ी मुश्किल आएगी संविधान संशोधन यदि कोई करना चाहे तो, क्योंकि संविधान संशोधन के दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है जो नंबर अब कम से कम एनडीए के पास नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ जो सिलसिला चल रहा है वो जो एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता हैं जो मंच पर नहीं हैं बल्कि सामने सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं, बाकायदा उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ओपीएस जो ओ पनीर सेल्वम है उनको हमने देखा, अभी पशुपति पारस को हमने देखा किस तरीके से उनका नाम लिया गया और उनके लिए सबने तालियां बजाई, उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ जयंत चौधरी भी बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से वो तमाम अन्य जो एनडीए के साथी हैं छोटे दल हैं उनको भी उसी रूप में आज सम्मान दिया जा रहा है। राकेश जी, भले ही मंच पर जगह ना दी गई हो लेकिन सम्मान में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। राकेश जी, जी मैं वही कह रहा हूं कि इस ये जो पूरा का पूरा कुनवा अपने को दिखाई दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से ज़्यादा सहयोगियों को सम्मान देके ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि सहयोगियों को, और एक बात सबसे बड़ी बात यह है और ये सब इसलिए भी हो रहा है कि जैसे बार बार अपन कहते हैं कि गठबंधन सरकार में कितनी बड़ी चुनौती है, हाँ। तो इस बार जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के सामने, वो चुनौती ये होगी कि पहले वो निर्णय ले लेते थे उसके बाद सूचनाएं गठबंधन को जाती थी लेकिन अब सलाह लेने के बाद उनको निर्णय लेना पड़ेगा, ये एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे लगता है इसलिए
गठबंधन को महत्व देने का काम आज से शुरू हो गया है। बिल्कुल, और ये जो आप देख रहे हैं तारिक मंसूर नजर आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और फिलहाल सांसद, और जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हमारे तमाम यहाँ पर जो एक्सपर्ट पैनल है वो लगातार बना हुआ है, और जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल बिगिन इज हाफ डन, तो फिलहाल ये एनडीए की शुरुआत जो है वो बिल्कुल सही नोट पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बुनियादी बात है कि आप साथियों को सम्मान के साथ साथ लेकर चले, उसी अंदाज में ये सधी हुई शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल से एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक में। विजय जी, बिल्कुल, गठबंधन के लिए सबसे जरूरी यही है कि एक गुड ह्यूमर में रखा जाए, सम्मान के साथ रखा जाए। बहुत सारी शर्तें जो हम लोग चर्चा में करते रहते हैं वो शर्तों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप यदि गुड ह्यूमर में रखते हैं, सम्मान पूरा देते हैं, जगह पूरा देते हैं, उनकी सुनवाई पूरी करते हैं, तो वो गठबंधन बेहतर तरीके से चलता है। और उसके लिए ये मेरे ख्याल से अच्छी शुरुआत है, और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कल तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो गठबंधन का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे इस गठबंधन को चलाएंगे, तो उसकी एक बेहतर शुरुआत यहाँ से देखी जा सकती है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से एक तरफ संसद का सेंट्रल हॉल जहां पर शुरू होनी है एनडीए संसदीय दल की बैठक, और वहीं दूसरी तरफ संसद भवन परिसर के बाहर देखिए कैसे बाकायदा ढोल बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि इतिहास बनना यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, और उसके बाद तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे। वो तस्वीर फिर से सामने आई जिस तस्वीर का मैं पहले जिक्र कर रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर है, और साफ तौर पर अगर बॉडी लैंग्वेज उनकी देखें, चेहरा उनका देखें, तो वो मायूसी नजर आ रही है। जो उम्मीद की थी उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत की, वो हासिल नहीं हुई। विजय जी, कमी रह गई यूपी से? कमी बहुत रह गई, और वो केवल उम्मीद वाली नहीं, उम्मीद तो उनको 80 सीटों की थी और कम से कम 70-75 जो 2014 का 72 का आंकड़ा था वहां तक तो पहुंचना ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं, आधी सीटें करीब करीब रह गई, तो वो एक बड़ा नुकसान है, और उसकी जिम्मेदारी मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर रही जाती है। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई, और उसमें 16 सीटों पर बीएसपी ने बचा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो इंडिया गठबंधन का और विनिंग मार्जिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है उन 16 सीटों पर बीएसपी के वोट ज़्यादा हैं विनिंग मार्जिन से। अगर वो साथ होते या उस तरह की भूमिका में नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी वो 16 सीटों का नुकसान हो सकता था। हालांकि देश भर में बीएसपी की वजह से एनडीए को 33 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, यदि बीएसपी सपोर्ट कर रही होती तो 33 सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास आज दिखाई दे सकती थी, और ये बहुमत का आंकड़ा वो क्रॉस कर सकती थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ बीएसपी होती तो अगर एनडीए में बीएसपी को ले आते, मायावती को अगर बीजेपी अपने साथ ले लेती, और यदि इंडिया गठबंधन में आ जाती तो वो 16 सीटें जो कम से कम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने हारी है, जहां पर विनिंग मार्जिन बीएसपी के वोट से बहुत कम है, तो वो नुकसान भी इंडिया गठबंधन को नहीं उठाना होता, और इंडिया गठबंधन की शायद तस्वीर दूसरी होती आज की तारीख में। ये जो यहाँ पर बैठक हो रही है संसदीय दल की, वो इंडिया गठबंधन की संसदीय दल की बैठक हो रही होती। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बैठा हुआ देख रहे थे आप, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नजर आ रहे थे, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से तमाम जो एनडीए शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब मौजूद हैं यहाँ एनडीए संसदीय दल की ये बैठक है। जाहिर सी बात है एनडीए के खेमे के तो जितने सांसद हैं वो सब मौजूद हैं, और एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों के जो मुखिया हैं वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सम्मान जो है वो बीजेपी की तरफ से अपने सभी साथियों को दिया जा रहा है, इस रूप में दिया जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी से एक भी सांसद नहीं जीता तब भी संसदीय दल की बैठक में उन्हें आमंत्रित किया गया है, उनको सम्मान दिया गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर से लेकर संजय निषाद तक सब यहां इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं, और इंतजार जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जी संदीप जी, देखिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ये ऐसी बारात हो गई है कि कई फूफा आए हुए हैं बारात में, वो नाराज हो गए तो पूरी बारात का और शादी का मजा बिगड़ जाएगा, इसीलिए जो है अब सबको सम्मान से सम्मान दिया जा रहा है, सबको पगड़ी पहनाई जा रही है, और ये आपको सिलसिला 5 साल तक दिखाई देता रहेगा। नहीं, अभी बीएसपी की बात हो रही थी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश की 4 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी
भाजपा के लिए वरदान साबित हुई है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और सतना 1.5 से 2 लाख की मार्जिन से बीएसपी के कैंडिडेट ले गए हैं और वही फायदा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के बागी खड़े थे बीएसपी से, और वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। नहीं, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इस बार नहीं मिलती। एक चुनौती थी मध्य प्रदेश में इस बार, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनके लिए वरदान साबित हुई। बिल्कुल, और फिलहाल तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे, नीतीश कुमार का चेहरा देखिए, कभी ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी बराबर में बैठे हुए चंद्रबाबू नायडू उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं। एनडीए में साथ पुराना है और एनडीए में दोनों की दोस्ती भी पुरानी, दोनों का जो बड़ा कद है वो भी देश ने देखा है, और एक बार फिर ये मौका आया है कि दोनों किंग मेकर की भूमिका में एनडीए में मौजूद। आपने तो वो पुराना दौर भी देखा है विजय जी, और आज एक बार फिर से दोनों एनडीए में किंग मेकर की भूमिका में, किंग मेकर की भूमिका में है। और नायडू साहब तो किंग मेकर की भूमिका में उस वक्त में जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी उसमें रहे और फिर बदलकर वाजपेयी सरकार में रहे, लेकिन बीजेपी को वो कसक याद रहेगी 1999 की जब टीडीपी के स्पीकर थे बालयोगी साहब, और उनके एक फैसले ने वाजपेयी सरकार को गिरा दिया था। बालयोगी साहब ने जो गिरधर गोमांग थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनको वोट देने की इजाजत दे दी थी और उस वजह से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। तो वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पीकर का पद देने की गलती नहीं करेगी, बहुत दबाव अगर नहीं हुआ तो। बिल्कुल, तो स्पीकर पद को लेकर यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है इस पर भी नजर, क्योंकि दबे खाने ये खबरें सामने आ रही हैं कि टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद को लेकर दावा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से इतिहास में बीजेपी को वो स्पीकर पद सहयोगी को देकर, और वो भी इन्हीं टीडीपी के कोटे के बालयोगी को स्पीकर बनाकर जो नुकसान उठाना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं इस बार सबक लिया होगा और इसीलिए मन में धुकधुकी होगी कि स्पीकर पद तो किसी अन्य साथी को नहीं दिया जाए, उस पर तो दावा अपना ही बरकरार रखा जाए।